भारतवर्ष में नवरात्रि सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी और 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग उपवास रखेंगे। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा इस दौरान की जाएगी। कन्या पूजन के बाद उपवास समाप्त होंगे, जो 8वें या 9वें दिन मनाया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्त होंगी। ये त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और इस दौरान आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायता करेंगे। चैत्र नवरात्रि के दौरान पीले रंग की कौड़ियों की विधि विधान से पूजा करें। पीले रंग की कौड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है और कहा जाता है कि माँ दुर्गा को भी कौड़ियाँ बहुत प्रिय है। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। चैत्र नवरात्रि में हर दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का बीड़ा अर्पित करने से आपके आर्थिक संकट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। नवरात्रि में पूजा करते समय दीपक में 4 लौंग, घी और बत्ती डालकर जलाएं। नवरात्रि के दौरान हर दिन सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं। इससे आपको बिजनेस या जॉब में सफलता जरूर मिलेगी। कहा जाता है कि नवरात्रि में शंख की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। शंख की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान श्री यंत्र, चांदी का सिक्का और कुबेर यंत्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें खरीदने के बाद इनकी पूजा करके इन सभी चीजों को तिजोरी में रखते। ऐसा करने से आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी।